जन्म से लेकर मरने तक जो इंसान का साथ नहीं छोड़ती है वो होती हैं बीमारियां। और इन्हीं बीमारियों में से कुछ तो ऐसी हैं जिनका आज तक एक सटीक इलाज नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की मौत तक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंसर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के इलाज के लिए जानी जाने वाली एक थेरेपी, कीमोथेरेपी के बारे में। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी ऐसी एक दवा नहीं बन पाई है जो इसे किसी भी स्टेज में खत्म कर दे। लेकिन आज के टाइम में कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर्स कीमोथेरेपी को बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कैंसर के इलाज के लिए कारगर साबित हो रही कीमोथेरेपी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कीमोथेरेपी के बारे में जानने से पहले हमें कैंसर के बारे में जान लेना चाहिए जिसकी वजह से इस थेरेपी का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैंसर क्या होता है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा शरीर ग्रो करता रहता है, हमारे शरीर में पुरानी कोशिकाओं के मरने के साथ साथ नई कोशिकाओं का जन्म भी होता रहता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं, जिन्हें सेल्स कहते हैं, इनका लगातार आना जाना लगा रहता है और ये एक नेचुरल सा प्रोसेस होता है। लेकिन इस प्रोसेस पर हमारा कंट्रोल सिस्टम अपना कंट्रोल रखता है, जिसमें डीएनए का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। दरअसल डीएनए के थ्रू ये कोशिकाएं एक प्रोसेस में रहती हैं और जो सेल इस प्रोसेस से बाहर जाने की कोशिश करती है उसे कंट्रोल सिस्टम के आदेश पर मार दिया जाता है और उसकी जगह एक नई कोशिका जन्म ले लेती है। लेकिन अगर कोई सेल इस प्रोसेस से निकलने में सफल हो जाती है तो उस पर कंट्रोल सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसके बाद उसमें असामान्य वृद्धि देखने को मिलती है और इसे ही कैंसर कहते हैं। जैसे जैसे कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं बढ़ती हैं, वो ट्यूमर यानी गांठ के रूप में उभर आती हैं। हालांकि हर ट्यूमर में कैंसर वाले सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो ट्यूमर कैंसर ग्रस्त हैं, अगर उसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये पूरे शरीर में फैल सकता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्पीड नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज होती है। अब हम आपको बताते हैं कैंसर शुरू कैसे होता है। दरअसल कोशिका के जीन में बदलाव से ही कैंसर की शुरुआत होती है। जीन में बदलाव अपने आप भी हो सकता है या फिर कुछ बाहरी कारकों, मसलन तंबाकू, वायरस, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडिएशन आदि की वजह से भी। अमूमन इम्यून सिस्टम ऐसी कोशिकाओं को खत्म कर देता है, लेकिन कभी कभार कैंसर की कोशिकाएं इम्यून सिस्टम पे हावी हो जाती हैं और फिर बीमारी इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अमीरी गरीबी देखकर नहीं आते, बल्कि रोड पे भीख मांग रहे शख्स से लेकर बड़े बड़े पैसे वालों को भी अपना शिकार बना लेती है। यानी जिनके पास पैसा है उन्हें भी ये बीमारी लाचार बना देती है। लेकिन आज के टाइम में जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से इस बीमारी का इलाज भी संभव है और कीमोथेरेपी को कैंसर के इलाज का सबसे असरदार उपाय माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। आपको बता दें कि कीमोथेरेपी का जन्म वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान एक गैस को इस्तेमाल में लाया जाता था और इस गैस का नाम था मस्टर्ड गैस। इस गैस की वजह से सैनिकों को सांस लेने में काफी परेशानी होते थे। इसके अलावा इस गैस के हवा में मिलते ही आंखों में जलन और त्वचा पर फफोले पड़ने लगते थे। अब इस गैस से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई एंटीडोट्स बनाने की कोशिश की और ये नोटिस किया कि इस गैस से पीड़ित लोगों की रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लगती है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने पीड़ित लोगों की रीढ़ की हड्डी के सैंपल लिए तो उनमें कैंसर सेल्स के जैसे शेप ही नजर आ रहे थे। दोनों सेल्स की ग्रोथ स्पीड रैपिड थे और यही कारण था कि जिस गैस को लोगों को मारने के लिए यूज किया जा रहा था उसी में वैज्ञानिकों को कैंसर का इलाज दिखने लगा। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने जहरीली मस्टर्ड गैस का एक कंपाउंड बनाया जिसे कैंसर से पीड़ित लोगों की नसों के जरिए उनके शरीर में भेजकर इसका ट्रायल किया जाने लगा। इस प्रोसेस में एक लंबा समय बीता, लेकिन वैज्ञानिकों ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक पहली कीमोथेरेपी के कंपाउंड तैयार कर लिए थे और आज ऐसे 100 से भी ज्यादा कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, कीमोथेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैंसर के मरीजों को दी जाती है। कीमोथेरेपी शरीर में तेजी से बढ़ती कोशिकाओं को खत्म करने के लिए बनाई गई है, जो कैंसर की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने से रोकती है। आमतौर पर कीमोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की ड्रग्स कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने का काम करते हैं। इसे हमारे शरीर के उस भाग को दिया जाता है जहाँ कैंसर कोशिकाएं या कैंसर की गांठ होते हैं। एक डॉक्टर जो कैंसर के इलाज में माहिर है उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग अक्सर दूसरे उपचारों जैसे कि सर्जरी, विकिरण या हार्मोन थेरेपी के साथ ही किया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर का स्टेज और टाइप कौन सा है, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है, आपके पिछले कैंसर के उपचार, कैंसर कोशिकाओं का स्थान क्या है। बता दें, अगर किसी व्यक्ति ने कैंसर के ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी करवाई है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए लम्पेक्टमी, तो उस व्यक्ति को ऑन्कोलॉजिस्ट ये सुझाव दे सकता है कि आप कीमोथेरेपी कराएं ताकि किसी भी प्रकार की बची हुई कैंसर की कोशिकाओं को भी मार दिया जाए। कीमोथेरेपी का उपयोग अन्य उपचारों के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी आमतौर पर गोली यानी टैबलेट्स या सीधे इंजेक्शन से नसों में दी जाती है। इन दो रूपों के अलावा कीमोथेरेपी को कई अन्य तरीकों से भी उपयोग किया जा सकता है।
जैसे ओरल कीमोथेरेपी। ओरल कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आपको टैबलेट्स, पिल्स, लिक्विड और कैप्सूल को मुंह के जरिए निगलना होता है। कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी को गोलियों के माध्यम से मुंह से लिया जा सकता है, जिसका अब्सॉर्प्शन पेट और जीभ से होता है। यह हमारे शरीर में बहुत जल्दी असर करते हैं। कीमोथेरेपी की टैबलेट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, जिन्हें एक साथ लेना कभी कभी मरीज को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन टैब्स को एक साथ लेने से मरीज को उल्टी की समस्या भी हो सकते हैं। जबकि कुछ दवाएं आप ओरली यानी मुंह से नहीं ले सकते, ये आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी की कुछ दवाओं का अब्सॉर्प्शन हमारा शरीर नहीं कर पाता। इसके अलावा इंजेक्टेड कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्टेड कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कीमोथेरेपी की दवाएं सिरिंज के जरिए सीधे मरीज के शरीर में डाली जाती हैं। वहीं इंट्राप्लूरल कीमोथेरेपी को भी ज्यादातर डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। इंट्राप्लूरल कीमोथेरेपी में दवा मरीज के प्लूरल गुहा फेफड़े यानी लंग्स में दी जाती है। सामान्य तौर पर यह फेफड़ों के कैंसर में दिया जाता है। अगर मरीज के फेफड़ों में कैंसर फ्लूइड यानी पानी भर जाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, तब इंट्राप्लूरल कीमोथेरेपी दी जाती है। इसे स्क्लेरोसिस और प्लूरोडेसिस भी कहा जाता है। इसमें कीमोथेरेपी फेफड़ों में एक ट्यूब के सहारे दी जाती है, जिसके जरिए फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकाला जाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ ना हो। फेफड़ों के कैंसर में इंट्राप्लूरल कीमोथेरेपी थोड़े समय के लिए दी जाती है। इसके अलावा कैंसर इंसान की त्वचा में भी जन्म लेता है। कुछ त्वचा के कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी क्रीम से किया जा सकता है। टिपिकल कीमोथेरेपी कुछ क्रीम में उपलब्ध होती है, जिसे सीधे कैंसर मरीज की त्वचा में लगाया जाता है, अगर मरीज को स्किन का कैंसर है। वैसे में इसके लिए टॉपिकल कीमोथेरेपी दी जाती है। इसे कम मात्रा में ही मरीज के त्वचा पर लगाया जाता है, जिससे कैंसर की सेल्स का अब्सॉर्प्शन हो जाए। टॉपिकल कीमोथेरेपी से स्किन कैंसर की कोशिकाओं को पूरी तरह मार देते हैं और इनके दोबारा होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसे टॉपिकल कीमोथेरेपी कहते हैं। आपको बता दें कि कीमोथेरेपी भी कैंसर पीड़ित पे तभी असर करती है जबकि उनका कैंसर शुरुआती स्टेज में हो। अगर किसी व्यक्ति का कैंसर लास्ट स्टेज में हो तो ये थेरेपी भी उसे नहीं बचा सकते। इसके अलावा कीमोथेरेपी के कई साइड इफेक्ट्स शरीर पे हो सकते हैं, जिनमें शरीर कमजोर होना और बालों का झड़ना आम है। हम आशा करते हैं कि आपसे ये बीमारी कोसों दूर रहे और आपको कभी कीमोथेरेपी की जरूरत ना पड़े और आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।